तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों क्या आपके भी मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट शोइंग नहीं हो रहा है? आप भी परेशान हैं, किसी का नंबर नहीं दिख रहा, कैसे आप मैसेज करें, या दिख भी रहा तो इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है? इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को कर लेता हूँ शुरू। वीडियो अच्छी लगे ना तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह का नई नई वीडियो लेकर आया करता हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को कर लेता हूँ शुरू और समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों हमें भी यह दिक्कत थी, लेकिन मेरा दिक्कत किसी तरह से सही हुआ, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक सेटिंग किया है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे में आ रहा है सारा, सभी का नंबर आ रहा है, ठीक है। मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया आपको बता रहे हैं, एक एक सेटिंग आपको अच्छे से सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ना प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से व्हाट्सअप ढूंढ लेना है और यह चेक करना है कि एप्लीकेशन आपकी व्हाट्सअप अपडेट है कि नहीं अपडेट है। यदि नहीं अपडेट है ना, तो इसको ज़रूर अपडेट कर लीजिए। यदि अपडेट है तो आपको क्या करना है, अपडेट करने के बाद नहीं आपकी सेटिंग, मतलब अपडेट आपने कर दिया अपना व्हाट्सअप, फिर भी आपका व्हाट्सअप नहीं सही हुआ है, उसमें नंबर नहीं शोइंग हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग वाले बॉक्स में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ऐप्स का, ठीक है, इस पर क्लिक करना है या मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है, ठीक है। आपकी सभी एप्लीकेशन दिखा दी जाएंगी, आपको क्या करना है ना, यहाँ पे WhatsApp वाली एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है, ठीक है, कि WhatsApp आपकी कहाँ है। यदि आपकी WhatsApp इसमें ना मिले तो आपको क्या करना है, इस तरह से WhatsApp पे अपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है, ऐसे उंगली दबा के रखना है, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। देख सकते हैं, एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, ऐसे WhatsApp पे दबा के रखना है। उसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा, शेयर ऐप इन्फो अनइंस्टॉल, तो आपको ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फोर्स स्टॉप का, फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके ओके कर देना है। स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे कहीं को आपको स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद कहीं क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना है आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऐप परमिशन है, इस पर क्लिक करना है और सभी परमिशन जो नहीं अलाउ है इसको अलाउ करना है, सभी परमिशन दे देना है और कॉन्टेक्ट वाला परमिशन तो ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि आपका वहाँ से अच्छे से सारा कुछ काम हो जाए। अदर परमिशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कनेक्टिंग वाईफाई, इसको सारे सभी को मतलब अलाउ कर देना है जो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो मैंने अलाउ कर दिया, बैक आएंगे वापस, ठीक है। और यहाँ पे और सारी सेटिंग देख लेते हैं, सारा कुछ सही है तो मैं बैक आता हूँ और दोबारा से अपनी व्हाट्सएप को ओपन करूँगा, ठीक है। और यहाँ से चलेंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट बिल्कुल दिखाई देने लगेगा। यदि फिर भी ना दिखाई दे तो आपको इस डब्बे पर क्लिक करना है, जो नीचे गोल सा डब्बा होता है सेंड मैसेज का, इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रिफ्रेश का, आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है और आपका यहाँ पे नंबर सभी का सभी रिप्रेस हो जाएगा और लिस्ट पूरी दिखाई देने लगेगी, देख सकते हैं अब आपका दिखाई देने लगेगा। फिर एक बार चेक करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन तो बढ़िया है ना, नेट कनेक्शन सही रहेगा तभी नंबर वहाँ पे दिखेगा, ठीक है, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि फिर भी नंबर ना दिखे तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करने के बाद दोबारा से ओपन करना है। जैसे दोबारा से ओपन करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे सभी का नंबर दिखाई देने लगेगा, जैसे डेटा ऑन करेंगे व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो, ठीक है। यदि फिर भी नहीं दिखाई दे तो आप जिनका कॉन्टैक्ट देखना चाहते हैं उनका कॉन्टैक्ट डिलीट करके दोबारा से सेव कर दीजिए और वो आसानी से जाके कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में रिफ्रेश कर दीजिए, जैसा मैंने रिफ्रेश किया है। उसके बाद आसानी से जैसे आप रिफ्रेश करेंगे सभी का यहाँ पर नंबर दिखाई देने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।